के ड्रॉप क्लैश यहाँ पर होते हुए देखेंगे और ये 3 से 4 टीम्स, ओह माय गॉड, बकार ऑलरेडी यहाँ से टेक डाउन किए जा चुके हैं और उनके बाकी टीममेट्स अभी तक कुछ खास लूट नजर नहीं आएगी। एक लेवल 1 का वेस्ट और UMP 45 हाथों में लिए एंट्री लेंगे कंपाउंड। लूट काफी अच्छी हमें यहाँ प्लेयर्स के पास देखने को मिल जाएगी, बस इंतजार है तो एक फाइट की। सोल के प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पर एस पावर को काफी ज्यादा लो एचपी कर दिया गया है। स्मोक का इस्तेमाल यहाँ डूम ओपी जरूर से करेंगे, स्मोक पाथ बनाने की कोशिश रहेगी। सोल के खिलाड़ी यहाँ से कुछ स्मोक करते हुए नजर आएंगे और सामने वाली टीम के प्लेयर्स का विजन ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। स्मोक किया गया और अब उसके बाद एक ग्रेनेड, उन्हें अंदाजा ही नहीं लग पाएगा कि एक ग्रेनेड आ रहा है उनके ऊपर और एक प्रिसाइज ग्रेनेड के साथ एक 1v2 और उसके बाद एक मोलोटोव उन्हें फिनिश करने के लिए, क्योंकि अपने किल्स को सिक्योर भी करना चाहेंगे। 6 फिनिश पॉइंट्स यहां से निकाले जा चुके हैं, प्लेयर 1 के खाते में 2 फिनिशेस, काफी ज्यादा शानदार वो प्रिसाइज नेड रहा नेक्रोस और टीम सोल यहां से अब सरवाइव करती हुई नजर आएगी। ये जो फाइट थी वो इंस्टेंटली कुछ ही सेकंड्स के अंदर खत्म होती हुई नजर आ रही है और यहां से अब इस जर्नी को, इस मैच की जर्नी को टीम सोल कंटिन्यू करेगी। 64 प्लेयर्स 17 टीम्स नजर आती हुई और टीम सोल के लिए अभी फाइट्स खत्म नहीं हुई है, एक्चुअली टीम टॉक्सिक भी इनके काफी ज्यादा करीब नजर आ रही है। Well, इन तरफ अभी के लिए बढ़ते जा रहे, फुटस्टेप जरूर से इनको मिला है, प्लेयर 3-4 इनका रहे, ढूंढने की कोशिश जरूर से है, अपने लिए जो यूटिलिटीज है उसको उठाते जाएंगे। नीड अगर करते हैं then definitely team toxic के players को जो है info आ जाएगा, intel आ जाएगा कि कहाँ है कौन से player, twist exactly wait करें, surprise situation create करेंगे, player 2 आएंगी corner check करते हुए सीधा आएंगे, 7वां finish point लेके जा चुके हैं but team toxic चारों तरफ से यहाँ पे team soul को घेर चुके। 3 players arena के side, 1 player एक off angle पे रहने वाले जो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, but team soul के players को ये पता चल चुका है कि एक team जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, ये पिकाडो का फाइट जो है वो जरूर से चलने वाला है। सर्कल की तरफ हम थोड़ा सा नजर जरूर ले लिए, जरूर अर्जित कर जाएगी और इतना बेहतरीन गेम प्ले, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है नेक्रोस और इसी तरीके से अगर ये फाइट चलती चली गई तो हम इस मैच में काफी ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि टीम सोल और टीम मायावी एक कमबैक के साथ आ सकती है। Well, definitely, but team Soul इस बार और वेट नहीं करना चाहते, they are going for कि हमारा offensive approach ही हमारा defensive approach रहने वाला अभी के लिए। नेट जाएगा, but क्या हो रहा है डिवाइन आज के इस मैच, इस आखिरी मीरामार के मैच में इतने सारे नेट्स, इतने सारे utility knocks, ये क्या हो रहा है, मतलब एक नेट से दो दो प्लेयर करके नॉक होते जा रहे हैं। पहले हमारे स्लो प्लेयर 1 आए थे, उसके बाद हमारे टीम मायावी के प्लेयर्स आते हुए देखने मिल रहे हैं, बट क्या होना चाहिए। ESN प्राइम ऑन द अदर हैंड यहां पे सोमिल को टेक डाउन करेंगे, टीम टॉक्सिक के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, बट इस सिचुएशन का फायदा टीम सोल जरूर से उठाने वाले। शॉट से लिए गए, एक प्लेयर को डाउन किया गया, ESN के प्लेयर्स चाहे तो यहां पे नॉक कर निकाल सकते, यहां पे पुश कर सकते हैं, बट लेट्स सी। टीम सोल की बात करें, जब प्लेयर 2 को यहाँ पे अभी के द्वारा टेक डाउन किया गया, अभी थोड़े से डिस्टेंस में जरूर रहने में, थोड़े से अलग एंगल पे रहने में, बट एक और नेट की आवश्यकता रहने वाली स्मोक के अंदर, फिलहाल के लिए सर्वाइव करेंगे। बट ये मोलोटोव अगर चाहे अगर कनेक्शन नहीं तो शायद से सोमिल का जो फिनिश पॉइंट है वो यहाँ से हमारे प्लेयर 1 जो है सिक्योर कर सकते हैं। बिल्कुल, यहां से अपने फिनिशर्स को सिक्योर करने की कोशिश की जा सकती है। सोमिल जॉर्ड हील कर, सोमिल जॉर्ड प्लेयर 1 को डाउन करेंगे, बट प्लेयर 3 के द्वारा वहां सोमिल जॉर्ड को डाउन कर दिया गया है, यानी टीम सोल वापस से फाइट की तरफ अपने आप को लेकर जाती चली जा रही है। और लीजिए यहां से खड़े होंगे स्नेलियर की कोशिश और ये दिस लाइन ऑफ स्प्रे में आने की गलती वहां कर बैठे हैं टीम टॉक्सिक के खिलाड़ी और अब यहां से पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लेयर के कंधों पर रहेगी। M249 रुकना नहीं चाहिए, ये M249 चलती रहनी चाहिए क्योंकि अब यहां से इन्हें अपनी टीम को आगे लेकर जाना है। अपने आप को स्टेयर्स के करीब लेकर जा चुके हैं, बैंडेजेस का इस्तेमाल करके हील करने की कोशिश, बट इन बैंडेजेस को सुनकर कहीं ये ना आप समझ जाइएगा कि प्लेयर काफी बढ़िया है इसके साथ नजर आ रहे हैं और आपको एलिमिनेट भी कर सकते हैं और इन्होंने करके दिखा भी दिया है। 11 फिनिशेस टीम सोल बटोर चुकी है आज के इस आखिरी मैच के अंदर। देखते रहिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 20,000 सब्सक्राइबर्स का जो हमारा एम है उसे कंप्लीट करने में जरूर मदद करिएगा।
पर साथ ही साथ नीड्स यहाँ पे आ रहे हैं टीम सोल के प्लेयर्स जिस तरीके से ये थोड़ा सा ओवर कुक चला गया, थोड़ा सा अब मुझे लगता है कम कुक करके आपको यहाँ पे डालना जरूरी पड़ सकता है, बट लेट्स सी यहाँ पे कैसे क्या चलता है। नीड्स जरूर से किया जा रहा है और उसी के साथ विस्कॉट का नहीं वहाँ पे ब्लाइंड के मास्टर को टेक डाउन करें। नीड्स की यहाँ पे बहुत सारी हम कह सकते हैं नॉकआउट निकलते हुए आ रहे, बट टीम सोल मुझे लगा कि शायद से वो रुक सकते थे वो फाइट अगर, वेल हम जानते हैं कि ये टीम सोल मारने में पसंद करते हैं, अभी ये वो फाइट में इंगेज करना ही पसंद कर रहे। 2-3 का सिचुएशन होने वाला है, इस जगह से रेकनिंग को बाहर करने में उनको मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत होता है। स्मोक पाथ किया जाएगा अभी के लिए, टीम मायावी के प्लेयर्स भी रोटेट कर रहे, युवा ओपी आएंगे ब्लाइंड ब्लास्टर को यहां पे टेक डाउन करते हुए, पर टीम सोल के इस पुश को हम जरूर से जल्दी जल्द से जल्द देखना चाहेंगे। एंड उसी के साथ प्लेयर 1 आएंगे, स्क्रिल्स को यहां पे टेक डाउन कर चुके। साथ ही साथ अगर बात करी जाए यहां पे अपना 12वां फिनिश पॉइंट क्या सिक्योर करने वाले, एक प्लेयर अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है, ये अगर पता नहीं है प्लेयर 3 के लिए मुश्किल बन सकती है, बट उसके साथ फ्री पास जाएगा, उसके साथ उनको भी चार से डाउन किया जाएगा। जीत डेफिनेटली, 2 फिनिश पॉइंट्स और कैपिटलाइज करना पड़ेगा, हीलिंग्स की कोई कमी नहीं है, मैक्सी थोड़े से डिस्टेंस में जरूर से रहने वाले। टीम सोल 13 फिनिशेस अभी के लिए निकाल चुके, मैक्सी ऑलरेडी निकल चुके हैं, अभी के लिए टीम सोल को जो है जोन के अंदर सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। मैक्सी की तरफ से आएगा प्लेयर 1 को यहां पे टेक डाउन किया गया।